स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। सूरज जी, जी बाबू, छोरा जा, जाकर बीनानी ने बुला ला। सुबह कुछ ज्यादा ही डांट दिया उसे, दायसा का सारा गुस्सा उस पर ही निकाल दिया। अगर बीनणी ने सिलाई सिखानी है तो सब्र से ही सिखानी होगी। जा छोरा बुला ला, रे अभी एक घंटे में बता दूंगी कि पोथड़े कहीं बनाए जावे। हो दिया और बाकी हम। ले संतोष, चापी हो गया बस। अरे वाह, बहुत बढ़िया बना ये तो। क्या देख रहे हो? अब देख रहा हूं संतोष, पिछले 25-30 सालों में थारा हाथ सिलाई पर ऐसा जम गया, मजा ले एक धागा भी इधर से उधर हो जाए। देखो संतोष, ये सब थारे अनुभव का कमाल है। अब एक हफ्ते से जो संध्या बिंदनी सीख रही है वो थारी बराबरी कैसे करेगी? बिल्कुल नहीं। अरे संतोष, तू चाहे मुंह फेर ले पर जरा ठंडे दिमाग से सोच संतोष। थारा गुस्सा संध्या बिंदनी पर ही था या फिर गली की औरतों के सामने जो जगहसाई हुई उसके लिए था? ऐसा तो नहीं तू किसी का गुस्सा किसी पर निकाल रही है? फिर जी, आपके कॉलेज का समय होते जा रहा है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। जी सूरज जी। पंखा इतनी आवाज क्यों कर रहा है? इसे ठीक कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं पपड़ को भेज के कल सवेरे इसको ठीक करा लूंगा। आप जल्दी से तैयार हो जाइए ना, हमें 10 मिनट में निकलना है। मैं नीचे देख के आता हूँ। जी जी सूरज जी। बाबू, छोरा जा, जाकर बीनणी ने बुला ला। सुबह कुछ ज्यादा ही डांट दिया उसे, दायसा का सारा गुस्सा उस पर ही निकाल दिया। अगर बीनणी ने सिलाई सिखानी है तो सब्र से ही सिखानी होगी। जा छोरा बुला ला, रे अभी एक घंटे में बता दूंगी कि पोथड़े कहीं बनाए जावे। और भैया अभी सर्दी की रात तो बहुत लंबी हो गई, जा छोरा। लेकिन संध्या जी को तो कॉलेज जाना है, पहले ही पढ़ाई में सबसे पीछे रह गई है और सिलाई तो कल भी सीख सकती है।
आगे हुआ छोरा। बाबू पर वो संध्या सो गई है। हाँ भैया, समय तो सोने का हो ही चुका है। मैंने भी इतनी जल्दी की है, कल समझा दूंगी उसे। जा छोरा। हमारा राम जी, सिलाई के चक्कर में तो गर्म कपड़े निकालने भूल गई। कल याद से निकाल दूंगी, भैया सर्दी बहुत बढ़ गई है। हे हमारा राम जी। क्या हुआ सूरज जी? कुछ नहीं संदेश जी, आप तैयार है ना? मैं नीचे गली में स्कूटर निकालता हूँ, आप आ जाइए। आ गया आपका कॉलेज जी। संदीप जी, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। सूरज जी, कॉलेज में तो काफी टाइम लग जाएगा, आप इतनी रात गए, इतनी देर तक क्या करेंगे? हर इंसान के टाइम काटने का अपना अपना तरीका होता है। बस आप कॉलेज छोड़ते अपने ऑफिस के फोन से मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। अंदर जी, इतना बड़ा बोझ लेके अंदर जाएंगी तो पढ़ाई कैसे करेंगी? चलिए ये बोझ मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं इस बोझ की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं घर की बात कर रहा हूँ, उस चिंता की जो आज घर में हुई। देखिए, इस वक्त आपको अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगानी है। ये परेशानियों और चिंताओं से लड़ने के लिए नहीं। अब सोचिए जरा, जब टीचर की पढ़ाई के बीच में बाबू की डांट सुनाई देगी तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? इसके बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, अच्छा रहेगा। अरे कैसी फीकी सी मुस्कुराहट है संदेश जी। नहीं ऐसे नहीं, वो सच्ची बात है। चलो ठीक है, हो सकता है ये सुन के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए कि आज भाबू ने आपके बारे में क्या कहा। आपको पता है, जब आप ऊपर थे कमरे में और जब मैं नीचे आया था तो बाबू ने मुझे आपके बारे में क्या कहा? बाबू ने मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ। क्या? वैसे संध्या जी, बाबू आपसे ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रह सकते। सूरज जी, बाबू ने मेरे बारे में क्या कहा बताइए ना। बाबू ने क्या कहा? कुछ अच्छा ही कहा, लेकिन अब संध्या जी अभी नहीं बताऊंगा, जैसे ही आप कॉलेज से बाहर आ जाएंगी तब बताऊंगा। जाइए ना, आपके कॉलेज का समय होता जा रहा है, जाइए। जी। अरे चाचा, क्या बताएं, ऐसा सस्पेंस था ना कि हमरे जो दिल की धड़कनवा है वो 80 के स्पीड में भाग चढ़ी। और पता है चाचा, जब उसका सस्पेंस खुला ना, बताना नहीं, मैं अपने बहू बेटे के साथ संडे को यही फिल्म देखने जाने वाला हूँ। चाचा प्लानिंग है। पप्पू जी, कहिए। वो मेरा कुछ सामान छूट गया था तुम्हारी गाड़ी में। हाँ, और हम उसे सही सलामत आपके घर भी छोड़ा है। आपको मिला नहीं का? तुम मेरे घर गए थे? हाँ, सुबह ही हम सवारी छोड़ने गए थे हनुमान गली, तो हमने सोचा कि वो सामान भी आपको देता चलूं। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे पे पहुंचे ना, तो आपके सांस की गरजती आवाज सुनकर वहीं खड़े हो गए। पता है, शायद आपको डांट रही थी वो, तो हमको लगा कि अगर हम अंदर गए तो आपकी डांट कहीं दुगुनी नहीं हो जाए, इसलिए हम बाहर ही सामान रखकर चले आए।
हमने ठीक किया ना संध्या जी? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।